हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज फिर मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए बहुत ही मजेदार स्नैक्स जिसका नाम है चोरी का माल। जी हाँ दोस्तों, चोरी का माल स्नैक्स लेकर के आया हूँ दोस्तों। इसके करेंगे अनबॉक्सिंग और देखेंगे इसके अंदर आज कौन कौन से गिफ्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, पूरे के पूरे 9 पैकेट है मेरे पास में और 9 के 9 पैकेट का करेंगे अनबॉक्सिंग और देखेंगे आज इसके अंदर कौन कौन से गिफ्ट निकलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है चोरी का माल। देख सकते हैं काफी सारे दोस्तों इस पे इनाम छपे हुए हैं। 5 रुपए का दोस्तों ऐसा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनामी धमाका और काफी सारे दोस्तों इस पे इनाम प्रिंटेड है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मोटू पतलू वगैरह सब कुछ कार्टून वगैरह छपे हुए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर दोस्तों कौन कौन से गिफ्ट निकलेंगे, क्या क्या निकलता है दोस्तों, आज हम ये देखने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट है, GS10 कंपनी के दोस्तों ये आता है और इसके अंदर निकलते हैं गिफ्ट या कूपन। दोस्तों देखते हैं आज इसके अंदर क्या निकलता है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं फटाफट से अनबॉक्सिंग। पहला पैकेट करते हैं कट। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला पैकेट करते हैं ओपन और देखते हैं इसके अंदर आज कौन कौन से गिफ्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, ये पैकेट हमने कट कर लिया। देखते हैं, देख सकते हैं दोस्तों स्नैक्स कैसे निकल रहे हैं। ये देखिए स्नैक्स, देखिए दोस्तों कैसे निकले हैं। और ये निकला है दोस्तों एक कूपन। वाव, 1 रुपए का दोस्तों पहले ही पैकेट में हमारा इनाम निकल चुका है, 1 रुपए का एक कूपन निकला है। चलिए दोस्तों, करते हैं नेक्स्ट पैकेट ओपन। जो है मेरे पास में पूरे के पूरे 9 पैकेट और 9 पैकेट का करेंगे अनबॉक्सिंग और देखेंगे आज दोस्तों कौन कौन से इनाम निकलते हैं। चोरी का माल GS10 कंपनी की दोस्तों तरफ से आता है और इसके अंदर निकलते हैं काफी सारे कूपन। तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से कूपन मिलते हैं। तो दूसरा पैकेट भी हमने खाली कर लिया लेकिन इसके अंदर भी कोई भी कूपन नहीं निकला। चलिए करते हैं नेक्स्ट पैकेट ओपन। यह चोरी का माल इनामी धमाका GS10 कंपनी की तरफ से आता है और इसके काफी सारे प्रिंट छपे हुए हैं इनाम के, लेकिन इनाम इसमें कुछ निकला नहीं है अभी तक। 3 पैकेट खाली कर लिए हैं। पहले पैकेट में निकला है एक कूपन, बाकी के दोस्तों पैकेट निकले हैं अभी तक खाली। तो दोस्तों फटाफट से करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं आज चोरी के माल में कौन कौन से गिफ्ट निकलते हैं, कितने कूपन निकलते हैं, कहाँ निकलता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये भी हमने काट लिया है और इसके अंदर निकल रहे हैं प्यारे प्यारे करारे करारे स्नैक्स, देख सकते हैं। और इसके अंदर अभी तक और कोई भी हमें इनाम नहीं मिला है, केवल एक कूपन अभी तक निकला है दोस्तों। लास्ट के 5 पैकेट बचे हुए हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना, वीडियो में मजा आएगा और वीडियो शुरू से आखिर तक पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों इसमें भी एक कूपन निकला, देखते हैं क्या है। ये देखिए दोस्तों, एक और कूपन निकला है वो 1 रुपए का और इसके अंदर अभी तक कुछ नहीं है। लास्ट के 4 पैकेट बचे हुए हैं, देखते हैं और कितने कूपन निकलते हैं। तो ये पैकेट भी दोस्तों कर लिया है कट और इसके अंदर भी दोस्तों एक कूपन निकला है जो है 1 रुपए का। तो इसमें भी देखते हैं और कुछ है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, और कुछ नहीं निकला है। चलिए इसको रखते हैं साइड में। करते हैं दोस्तों लास्ट के 3 पैकेट और ओपन बराबर से, देखते हैं चोरी का माल में और क्या मिलता है। तो ये है चोरी का माल, मोटू पतलू चुरा के ले आए हैं खजाना, इसमें खजाना निकला नहीं है। 1-1 रुपए के कूपन निकल रहे हैं, कोई बड़ा इनाम नहीं निकला है जैसा कि इसके छपे हुए हैं 50 के 100 के 200 500, इसमें ऐसा कुछ निकला नहीं है नोट, केवल इसमें 1-1 रुपए के कूपन निकल रहे हैं जो कि बहुत ही सोचने वाली बात है कि बड़ा इनाम नहीं निकला है। देखते हैं और क्या है इसके अंदर, भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ये भी खाली है। तो लास्ट का पैकेट बचा है दोस्तों, देखते हैं लास्ट के पैकेट में क्या मिलता है। चोरी का माल स्नैक्स, देखते हैं और क्या है इसके अंदर। इसमें भी निकला है एक और कूपन जो है 1 रुपए का और इसके अंदर और कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा है, पैकेट खाली हो चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हमारे निकले हैं 4 के 4 कूपन जो है 1-1 रुपए के, देख सकते हैं 4 कूपन निकले हैं 1-1 रुपए के।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों फिर मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।